रविवार को निकाय मंत्री कमल गुप्ता यमुना नगर पहुंचे और नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मेयर मदन चौहान भी साथ रहे। कमल गुप्ता ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी समेत कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई है और सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा। हरियाणा सरकार प्रॉपर्टी आईडी एक नई स्कीम लेकर आई जिससे लोगों को सहूलियत हो, लेकिन सरकार की ये योजना उल्टी पड़ गई। अब सरकार इस गलती को सुधार करने की ओर कदम बढ़ा रही है ताकि लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। हरियाणा के निकाय मंत्री कमल गुप्ता रविवार को यमुना नगर के लघु सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। कमल गुप्ता बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया को बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में बहुत कमियां हैं। कमल गुप्ता ने कहा कि गलतियां होना स्वाभाविक है जिसे हम मजबूती के साथ दूर करने में जुटे हुए हैं। इसमें एक तो जो बड़े पुराने बैठे हैं उनकी भी आईडी कट गई, उसके अलावा एक घर के या पड़ोसी तक की कट गई, वो क्या कारण? जो भी कमियां हैं हम, मैंने आपको स्वयं माना कि हम उनको दूर करेंगे, लगे हुए हैं। हमारी 42,70,000 प्रॉपर्टियां हैं, उसमें लगभग 35,00,000 प्रॉपर्टीज को हमने इंटेग्रेट करना है, उसमें से लगभग हम 28,00,000 से अधिक प्रॉपर्टीज को इंटेग्रेट कर चुके हैं। हमारी लगभग 7,00,000 से कुछ कम प्रॉपर्टी हैं जिनको हम इंटेग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि हम शायद एक महीने के अंदर इनको भी पूरा कर लें। सर, जो सड़कें टूटी बहुत बुरा हाल है और शहर की सड़कें की बात जो आप पूछ रहे हो, आप देखिए, आप पिछली चीज से कंपेयर करिए। आज यहाँ से दिल्ली जाइए, यहाँ से हिसार जाइए, यहाँ से चंडीगढ़ जाइए, ये जितनी सड़कों का जाल इस समय बिछा है ऐसा कभी भी देश की आज़ादी से लेकर आज तक नहीं हुआ। सड़कें रिलेटिवली बहुत इम्प्रूव है और जहाँ भी कमी है हम उसको दूर करें। सर, निगम की सड़कों की बात हो रही है, जो निगम के एरिया में, निगम में भी मैं जहाँ जाता हूँ बहुत इम्प्रूवमेंट है और सभी निगमों में हमारे पैसा काफ़ी उपलब्ध है और मैंने इन सबको निर्देश दिए हैं कि हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, चाहे वो सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, और चाहे वो हाउस टैक्स की बात हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी हम नहीं आती। सर, जैसे अब मार्च खत्म होने वाला है, बजट सेशन भी चल रहा है, तो किस तरह का बजट आ रहा है और शहर को क्या बजट जो आया था? जन कल्याण का बजट है, अंत्योदय का बजट है, टैक्स कोई है नहीं और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो भी विद इन द लिमिट्स है। हमने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी किया है, हमारी रेवेन्यू रिसीट्स जो है पहले काफ़ी कम आती थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, तो बजट हर तरह से अच्छा है। हमारे काफ़ी इश्यूज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का है, स्वामित्व योजना है, अनऑथोराइज ऑथोराइज कॉलोनीज का है, स्वच्छ भारत मिशन है, और हमने जो ये कहा है कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसे लोकल गवर्नमेंट भी होती है, उनका बजट अलग अलग होता है, और फिर किस तरह से ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी को करना चाहिए, इस तरह से अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है, उनका रिव्यू लिया है, और ऐसा हमने सोचा है कि हम पूरे 22 के 22 दिनों में प्रवास करेंगे, हर जिले में जाएंगे, वहाँ के जिले के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे इन सभी विषयों पर बातचीत करके, रिव्यू करके काम को इम्प्रूव करने का जो प्रयास है ये हमारा लक्ष्य है। सर, आपने अधिकारियों से मीटिंग भी ली, तो काम से संतुष्ट हैं या अभी और काम की जरूरत है? नहीं, काम की काफ़ी जरूरत भी है और काफ़ी काम हमने किया भी है। पिछली सरकारों ने इस तरह के विषय कभी नहीं उठाए, जैसे प्रॉपर्टी आईडी है, मैं मानता हूं कि उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियों को दूर करेंगे ना। माननीय मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का इशू लिया, जीएसटी का इशू लिया, तो हरियाणा सरकार ने पहली बार पूरे देश में प्रॉपर्टी आईडी का मामला लिया, परिवार पहचान पत्र का लिया, अब इतने बड़े बड़े जहां 42,00,000 प्रॉपर्टियों की बात है, जहां 72,00,000 परिवारों की बात है, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। इनको हम बड़ी दृढ़ता से, बड़े अच्छे ढंग से फेस करेंगे, इनको दूर करेंगे और अल्टीमेटली एक अच्छा सिस्टम जनता को देकर, जनता में अंत्योदय का जो भाव है वो, उसको जो अंतिम सीढ़ी पर बैठा है उसके तक दुख दर्द को दूर करेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। इसमें ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।